सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? परमानंद पंथी। कहाँ से आए सर? जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 12 जनवरी 2012 को। सर क्या काम करते हैं आप? मैं भारतीय जीवन बीमा का अभिकर्ता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं 26 साल से नकली कबीरपंथी था। सर हिंदुस्तान में कबीरपंथ के नाम से बहुत सारे संत अपने अपने तरीके से धर्म साधनाएं बता रहे हैं, सर आप किस संत से जुड़े हुए थे? मैं परमात्मा जो बताते हैं कि द्वादश पंथ काल फुरमाना बुला जीव पाए ना ठिकाना, उसमें जो दूसरा पंथ आता है जागु पंथ, मैं उसी पंथ से रिलेटेड था। सर आप जागु पंथ से जुड़े हुए थे, आपको क्या भक्ति साधनाएं बताई जाती थी और आपने वो साधनाएं कितने साल तक की? मैंने वो 26 साल तक वो भक्ति की और जब मैं छोटा सा था तो छोटे से ही मैंने उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी और वो एक बीजक का श्लोक जाप करने के लिए देते थे और जब भी वो आते थे घर में, जब अभी आते थे पुराने वाले गुरु, तो रात को 2-4 भजन कर लिए, ढोलकी बजा ली, चिमटा बजा लिया, बस इसी को हम भक्ति मान के चलते थे। सर संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीरपंथी संत हैं, एक कबीरपंथी संत को छोड़कर आपको दूसरे कबीरपंथी संत के पास क्यों आना पड़ा? मैं जब भी गुरुजी रामपाल जी महाराज की शरण में गया तो मैं आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से नहीं गया, मैं कंटिन्यू हर साल मेरे को टाइफाइड हो जाता था, मार्च से लेकर जून जुलाई तक मेरे को टाइफाइड होता रहता था जिससे मैं बहुत बीमार रहता था, मेरा शारीरिक जो स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर थी। तो इसी करके हमारे गांव से दो भगत परमात्मा की शरण में गए थे, वो बार बार मुझे यही स्ट्रेस करते रहते थे कि आप बरवाला चलिए, आपकी जो बीमारी है वो कट जाएगी, आपके जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। तो यही बात मेरे घर कर गई और मैं परमात्मा रामपाल के शरण में जाने के लिए 7 जनवरी 2012 को मालिक की शरण में गया। सर आपने पहले ही गुरु बना रखा था, कबीरपंथ से आप जुड़े हुए थे, आपकी जो बीमारी टाइफाइड आपको रहता था, बहुत सारी समस्याएं आपको थी, जो आपने पहले नाम ले रखा था जागुपंथ से, वहाँ से वो समस्याएँ ठीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब मैं परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में गया तभी मुझे पता चला कि मेरे जो गुरु हैं वो नकली हैं, उनका जो नाम है वो नकली है, वो सब पता मुझे गुरु जी की शरण के जाने के बाद ही प्राप्त हुआ। सर समाज में एक धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, सर आपने पहले जागुपंथ से नाम ले रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है, तो सर क्या आपको नहीं लगता कि आपने गुरु बदल के पाप किया है? बिल्कुल नहीं, परमात्मा कहते हैं गुरु करो 10-5 जब तक मंत्र ना मिले सांचा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? एक तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला, भक्ति का पता चला कि भक्ति किसे कहते हैं और मुक्ति कैसे मिलेगी, ये सब ज्ञान मुझे परमात्मा की शरण में जाने के बाद मिला और जो सारे कष्ट मेरे रहते थे, जो मेरे शरीर में जो बीमारियां थी, वो सब परमात्मा की शरण में जाने के बाद पूरी की पूरी खत्म हुई। सर आपको क्या क्या शारीरिक बीमारियाँ थी? 2 साल पहले मेरे को कम से कम 30 या 35 बीमारियां लग गई थी, ये परमात्मा मेरे से परीक्षा ले रहे थे कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर कितना दृढ़ है, वो मेरी परीक्षा ले रहे थे शायद। तो कभी मेरे को गले में थायराइड था और कभी मेरी शुगर थी, कभी मेरे को बवासीर थी, कभी मेरे यूरिन में इन्फेक्शन था और कभी मेरे पेट में इन्फेक्शन था और कभी मेरे गर्दन में पेन थी, बैकबोन में मेरे प्रॉब्लम थी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी जो मेरे को नहीं थी। जब भी मैं डॉक्टर के पास कोई भी टेस्ट करवाने जाता था हर टेस्ट मेरा पॉजिटिव निकलता था और कोई भी टेस्ट नेगेटिव नहीं निकलता था, लेकिन मैंने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा तुम जिंदे हुए मरे हुए को जिंदा कर सकते हो, तो मैं तो अभी जिंदा हूँ और आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, मरने का मुझे कोई गम नहीं परमात्मा, मुझे एक ही गम है कि मैं बिना सार नाम लिए इस शरीर को ना त्यागूं। और परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की, आज मेरा थायराइड, आज मेरा शुगर, आज मेरा बीपी सब कंट्रोल है बिना दवाई के
और एक भी कोई ऐसी मेरी डिजीज नहीं है जो मेरे आज शरीर में है। मेरा 2 साल पहले कम से कम 10 kg मेरा वजन लूज हो गया था और मैं परमात्मा को कहता था कि परमात्मा तुम तो मरे हुए को जिंदा करते हो और आपकी भक्ति से तो परमात्मा मरे हुए तो जिंदा होते हैं, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मेरे भक्ति के लिए जिंदा कर दो। तो आज परमात्मा ने मुझे भक्ति के लिए जिंदा किया और मैं परमात्मा रामपाल जी के मैं क्या क्या गुण गाऊँ, अगर मेरे ये गुण गाने लग जाऊँ तो ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अगर लिखने लग जाऊँ तो कलम की स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं उनके गुण नहीं लिख सकता, नहीं भूल सकता। सर, आप जिसको परमात्मा बोलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियाँ थी, इतनी सारी बीमारियाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से आपकी ठीक हो गई, फिर एक ऐसा संत जेल में है, खुद वो परेशानियों में है लेकिन अपने भक्तों के कष्ट को दूर कर रहे हैं और खुद वो जेल में है, सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो भ्रम है दुनिया जी का कि हमारे परमात्मा रामपाल जी महाराज जेल में हैं, वो तो पता नहीं किस किस के कल्याण करने के लिए जेल में गए हैं, हमारे जैसे हमारे भाइयों का कल्याण करने के लिए जेल में गए हैं, ये तो परमात्मा की लीला है। और मुझे शर्म आती है इस देश के कानून से, देश के प्रशासन से, देश के न्याय व्यवस्था से, जिन्होंने दो साल से परमात्मा रामपाल जी महाराज जी को बिना वजह से, बिना कोई आरोप से जेल में बंद करके रखा हुआ है, जिसमें आज 18 महीने हो गए हैं और एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। इससे साबित होता है कि ये सारा प्रोपेगेंडा मीडिया का और प्रशासन का और जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनका मिली भक्त से ये सारा प्रोपेगेंडा बनाया गया है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष बता रहे हैं, सर सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? हम 2006 से परमात्मा रामपाल जी महाराज के ऊपर इन्होंने झूठा एक मर्डर का केस बनाया हुआ है, झूठा एक मर्डर का केस बनाया हुआ है। हम 2006 से लेके आज तक इनसे CBI की जांच करवाने के लिए बार बार यही बोल रहे हैं। हमारे भगत जब भी जाते हैं तो यही बोलते हैं, अगर हम झूठे हैं, हमारे गुरुजी झूठे हैं, तो हमें भी जेल में डालो, चाहे फांसी दो, लेकिन CBI जाँच तो करें और दुनिया को ये बताए कि सच्चाई क्या है, लोगों को गुमराह करके ये हमारे गुरु जी को, हमारे परमात्मा को और हमारे भक्तों को झूठा बोल के और उनको अनाव शनाव बोल के दुनिया में मीडिया के द्वारा झूठा प्रचार कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप कबीरपंथ से जुड़े हुए थे और जागू परंपरा से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं जो कबीर जी को भगवान बताते हैं, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सुना। कबीर जी को एक सदगुरु, कवि या कबीरदास 1 जुलाई के नाम से ये समाज जानता है, आपके कबीरपंथी संत जितने भी हैं वो भी कबीर जी को भगवान ही बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज वेदों को, गीता, गुरु नानक जी की वाणियों को आधार बनाकर कबीर जी को भगवान सिद्ध करते हैं, क्या ये बात सही है सर? संत रामपाल जी महाराज कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, परमात्मा रामपाल जी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज किस आधार पर कह रहे हैं कि कबीर जी भगवान हैं? परमात्मा रामपाल जी पवित्र गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल के अंदर प्रमाणित करके सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, हाथों में दिखा रहे हैं, प्रोजेक्टर से दिखा रहे हैं कि बेटा यहाँ लिखा है। सर, आपने हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के एक छोटे से गाँव से निकले एक ऐसे संत से नाम दीक्षा ली जिसकी बहुत ही साधारण सी वेशभूषा है। जैसा कि हिंदुस्तान में संतों की परिभाषा ये है कि भगवा कपड़े पहनते हों, मालाएं पहनते हों, जटा रखते हों, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को देख के ऐसा नहीं लगता कि जैसा कि समाज में माना जाता है कि वो एक संत हैं। क्या आपने एक ऐसे संत को गुरु बनाया जिसकी वेशभूषा बिल्कुल ही साधारण सी है? क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में पूर्ण संत हैं? बिल्कुल पूर्ण संत है परमात्मा जी, सकल से परमात्मा संत नहीं लगते, लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान है, जो इनके अंदर जो शक्ति है, उससे ये बिल्कुल प्रमाणित होता है कि दुनिया में इनके बराबर कोई संत इस पृथ्वी में कोई नहीं है। ये परमात्मा की वाणी है कि कंठी माला सुमनी पहने से क्या हो, ऊपर डुंडा साध का अंदर जाए खो, कि जो ऊपर से बड़ी बड़ी लटाएं बांध के रखा हुआ है, बड़ी बड़ी लटाएं हैं और बड़े गले में रुद्राक्ष की माला है, भगवा बस्त्र ऐसे पहनने से संत नहीं होते। संत तो सच्चा ज्ञान बताएंगे, वही संत हैं। सर, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, लेकिन सर लोग उनसे जुड़ कैसे रहे हैं? परमात्मा रामपाल जी महाराज ने
पूरे संसार के अंदर, पूरे हमारे देश के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट कोऑर्डिनेटर के द्वारा जगह जगह पर नामदान स्थान खोल रखे हैं, उसके द्वारा भगत वहाँ से नाम दीक्षा लेके और वहाँ से अपना कल्याण करवा रहे हैं। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जब भी आशीर्वाद देते थे या वो जब भी सतलोक आश्रम में जाते थे तो उनके भयंकर से भयंकर कष्ट दूर हो जाते थे, जैसा कि आपने बताया, क्या नामदान सेंटर पर जाने के बाद भी उनके श्रद्धालुओं को लाभ मिलता है? जी भगत जी, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि परमात्मा के नाम में ही शक्ति है, परमात्मा का नाम में ही शक्ति है, और परमात्मा का नाम सुमरण करने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और जन्म मरण से छुटकारा पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी।